हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हमने भेल बनाया है भुट्टा का। आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। हमने नाश्ते के लिए इसे बनाया है, आप किसी भी वक्त बना के खा सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे ये बनाया जाता है, बने रहिए पूजा ब्लॉग्स में। भुट्टा में डालने के लिए देखिए, हमने सेव ले लिया है, ये आलू सेव है, ये सेव है, और ये टमाटर हमने बारीक कट कर लिए हैं, प्याज भी हमने बारीक काट लिए हैं, धनिया और मिर्ची दोनों हमने बारीक कट कर लिए हैं, और यहाँ पे देखिए स्वाद के हिसाब से हमने नमक ले लिया है, और यहाँ पे हमने चिप्स ले लिए हैं इसमें डालने के लिए। इधर हमने देखिए इसे उबाल लिया है अच्छी तरह से, ये उबल गया है। उबलने के बाद हमने इसका दाना अलग कर दिया है, निकाल लिया है इसको भेल बनाने के लिए। चलिए आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं इसे। देखिए, हम इसमें सेव डाल देते हैं इस तरह से, ये बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद, टेस्टी लगता है। अब इसके ऊपर से हम टमाटर डाल देंगे इस तरह, और प्याज भी हम डाल देते हैं सभी इस तरह से। इसके बाद हम स्वाद के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर देते हैं इस तरह, फिर इन्हें हम मिला लेंगे सब। अब इन्हें हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से, देखिए इस तरह से, देखिए ये मिक्स हो गया, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप कभी ढाबे पे या कहीं भी आपने इसे खाया होगा तो आपको वही टेस्ट इसमें आएगा। देखिए, अब हम इसमें टमाटर सॉस डाल देते हैं इस तरह से। इसके बाद हम इसमें रेड चिली सॉस डाल देंगे जिससे तीखापन रहे। इसके बाद हम इसमें विनेगर डाल देते हैं खट्टा के लिए इस तरह से, और थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। इन्हें हम मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। देखिए, इसे हमने मिक्स कर दिया, इसे हम नाश्ते के लिए बना रहे हैं, आप किसी भी वक्त बना के खा सकते हैं। इसमें देखिए हम चिप्स डाल देते हैं, ये अच्छा लगता है खाने में चिप्स। इसके ऊपर से हम डाल देते हैं ढेर सारा सेव, आलू सेव है ये। देखिए, ये हो गया हमारा। अब इसके ऊपर से हम डाल देते हैं धनिया पत्ती, ये देखिए, और मिर्ची भी साथ में। इन सबको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं हम। देखिए, हमारा भेल हो गया है तैयार, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसे हमने नाश्ते के लिए बनाया है, आप किसी भी वक्त बना के इसे खा सकते हो। अब भुट्टा हमारे सेहत के लिए अच्छा भी रहता है, आप किसी भी वक्त बना के खा सकते हो इसे। ये देखिए, हम प्लेट में इसे निकाल ले रहे हैं इस तरह से। देखिए, हमारा भुट्टा का भेल हो गया है तैयार, आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके ऊपर से थोड़ा सा हम गार्निश कर देते हैं इस तरह से, ये देखिए, धनिया पत्ती भी डाल देते हैं इस तरह से। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको भी पसंद आएगा। इसके ऊपर से थोड़ा सा हम टमाटर सॉस डाल देते हैं जिससे अच्छा लगेगा देखने में, ये देखिए इस तरह से। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।